मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फोर्थ लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोग फर्स्ट लेक्चर को याद करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज। अ पेयर ऑफ ओवरीज, जिस तरह से मेल के अंदर हम बात करते थे अ पेयर ऑफ टेस्टिस, उसी तरह से फीमेल्स के अंदर अ पेयर ऑफ ओवरीज। दोनों ही ओवरीज होती हैं वो किससे, मतलब कहाँ लोकेटेड होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ तक, ये वाला जो हमारा ये पेपिगर्डल का जो क्रेस्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। यानी कि ये ऑब्वियसली बात है कि ये ओवरीज कहाँ दिख रही होगी, इस जगह पर लोकेट होगी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं बता पाऊँगा, क्लियर है ना। तो आप लोग समझने की कोशिश करें उसको, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, ओवेरियन फोसा। फोसा फोसा, मैं इस वर्ड पे इसीलिए आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड समझना जरूरी है कि फोसा का मतलब क्या था। फोसा का मतलब था किसी तरह का एक डिप्रेशन, गड्ढा, जहाँ पर जाकर के कोई चीज अटैच हो सकता है। आप लोगों ने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा फोसा क्या होता है और नॉच क्या होता है, क्लियर है। ये एक फोसा है जहाँ कोई एक डिप्रेशन है, कोई गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है, उस जगह पर जाकर के ये ओवरी फिट हो जाती है, क्लियर है। ये कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में ओवेरियन फोसा होता है। हर एक ओवरी की अगर हम बात करें, ये अटैच होता है किससे, पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। मैं इसको फिगर बना करके समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में। तो ब्रॉड लिगामेंट से ये अटैच होता है। ये ब्रॉड लिगामेंट किसका पार्ट होता है, पेरिटोनियल लिगामेंट का। पहले आप पेरिटोनियम समझ लें, पेरिटोनियम क्या होता है, जैसे कि ये बात कर रहा हूँ ये एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी की अंदर की सबसे अंदर की जो लाइनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। उस पेरिटोनियम को सपोर्ट करने के लिए जो लिगामेंट वहाँ पर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियल लिगामेंट कहते हैं। और उसी पेरिटोनियल लिगामेंट का एक पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट की हेल्प से ये ओवरी जो थी अटैच होती है, अदरवाइज ये तो यहाँ पर ऐसे करके लटकी हुई रहेंगी, लेकिन नहीं, वो स्टैटिक होती है। उसको सपोर्ट करने के लिए कौन होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे की वॉल से, पोस्टीरियर लेयर से ये अटैच करता है, कौन, ब्रॉड लिगामेंट, किसका, पेरिटोनियल लिगामेंट का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेसोबेरियम। मेसोबेरियम की हेल्प से, और मेसोबेरियम क्या होता है, ये एक शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। मैंने आपसे कहा था कि पेरिटोनियल लिगामेंट का ही ये पार्ट होता है। जो पेरिटोनियम है, पीछे का लेयर जो है पेरिटोनियम, जो इनर कैविटी का सबसे इनर लाइनिंग है, उस पेरिटोनियम का जो कुछ फोल्ड होता है, पेरिटोनियम का जो शॉर्ट फोल्ड होता है, वो फोल्ड ही क्या करता है, वो रिट्रैक्ट होकर के क्या करता है, ओवरी से अटैच होकर के उसको सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, ध्यान रखेंगे कि ये जो लिगामेंट है, सॉरी ये जो मेसोबेरियम है, ये जो मेसोबेरियम, वो जो शॉर्ट फोल्ड की मैंने बात की, ये जो मेसोबेरियम है, ये रूट होता है किसका, वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए। ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए, ओवरी की ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के लिए ये क्या होता है, ये एक तरह का, ये एक तरह का क्या एक्ट करता है, ये एक तरह का पैसेज, एक रूट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वहाँ पर वेसल्स या नर्व्स ट्रेवल करके ओवरीज तक पहुँचेंगी। और अगर किसी भी तरह का नर्व सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई पहुँचना होगा, चाहे किसी भी तरह का, अगर हम बात करेंगे हॉर्मोन या फिर नर्व स्टिमुलस की अगर मैं बात करूँगा, तो वो नर्व स्टिमुलस या फिर हॉर्मोन इस ओवरीज तक पहुँचेंगे और उसके हिसाब से इसका एक्शन हो पाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं, इसको पूरा नहीं बनाया है इसलिए हल बनाएंगे नहीं आप लोग। यहाँ पर एक ट्यूब्यूल है, यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के जस्ट नजदीक सिचुएटेड है, अटैच विद ब्रॉड लिगामेंट। ये भी ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होता है और ये ट्यूब्यूल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओविडक्ट। इसका नाम क्या है, ओविडक्ट। आगे इसके बारे में और बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे। ये ओविडक्ट है, आप लोगों को फिर से मैं फर्स्ट लेक्चर की याद दिलाऊंगा, फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि इस ओविडक्ट का फॉर्मेशन किससे होता है, ये एम्ब्रियो स्टेज में जो मलेरियन डक्ट होता है उसी मलेरियन डक्ट से इस ओविडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
मुलेरियन डक्ट से ही अगर मैं बात करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो मुलेरियन डक्ट से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पर टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी ओविडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं आपको, एक बार उसको आप रिकॉल कर लेंगे। तो ओविड ये जो है ये किससे डेवलप होता है, मुलेरियन डक्ट से भी डेवलप होता है, और ये मुलेरियन डक्ट किसके अंदर होता है, ये एम्ब्रियोस के अंदर होता है, क्लियर है। जब हम लैटरल एंड की बात करते हैं, एक और वर्ड यहाँ पर आएगा, मीडियल मीडियम, ठीक है। मैं एक बार आपको ये सुना, तो अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इसको। मेरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा से लगा दिया मैंने इसे, ठीक है। हालांकि इसका जो सर है वो एक तरफ से छोड़ गया है, आप लोग देखिए। तो इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके बॉडी के बीच से, इसके बॉडी के बीच से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ध्यान रखेंगे इस लाइन की तरफ जाते हुए, अगर किसी ऑर्गन के बारे में बात करूंगा जो इस लाइन की तरफ जा रही है, जो इस लाइन की तरफ जा रही है, तो इससे हम लोग मीडियल कहेंगे, जो कि बीच में जा रहा है मीडियल कहेंगे, यानी कि ये बॉडी लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इस बॉडी लाइन से बाहर की तरफ जाते हुए अगर किसी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, तो इसे हम लोग लैटरल कहेंगे। आप लोग बात समझ पा रहे हैं, इसे अगर मैं बॉडी लाइन की तरफ जाता हुआ कोई ऑर्गन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो ये मीडियल, या फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये इसके मीडियल, ये इसके लैटरल। समझ पा रहे हैं, देखिए इसमें आप लोग देखेंगे ये लैटरल एंड जो होता है ऑफ दिस ट्यूब, यानी कि अगर मैं ओवरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ओवरीज लैटरल साइड में है, ओवरीज लैटरल साइड में, अगर ये बॉडी लाइन है, ये ट्यूब इस ट्यूब के लैटरल साइड, एंड के लैटरल साइड इस साइड में आएगा, यानी कि अगर मैं इस पर्सन के अंदर अगर ओवरी और ओविडक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो वो कुछ ऐसा होगा, ये है इसका ओविडक्ट और यहाँ पर ओवरी, यानी कि इस ओवरी के पास ये ओविडक्ट का लैटरल इंड, अगर मैं बात करूँ ये इसका लैटरल इंड है, ये इसका लैटरल इंड है। द लैटरल एंड ऑफ दिस ट्यूब इज फनल शेप्ड एंड कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। इनफंडिबुलम, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम देखते हैं, ये थोड़ा सा फनल शेप्ड हो जाता है, ये फनल शेप्ड हो जाता है, सॉरी मैं इसको फिर से ड्रॉ करूंगा, ये फनल शेप हो जाता है, फनल शेप, फनल के जैसा शेप का हो जाता है, फनल आप लोग समझते हैं जो चिमनी होता है वहां, उसके जैसा शेप का हो जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट ये क्या है, ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये ओवरी है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, ये इनफंडिबुलम कैसा होता है, फिम्ब्रिएटेड होता है, फिम्ब्रिएटेड बोले तो क्या, फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शन इसमें निकले हुए होते हैं, फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शन इसमें निकले हुए होते हैं। ये देखिए ये जो इनफंडिबुलम है, इसमें बहुत सारे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन हैं, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन हैं इस इनफंडिबुलम में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री, एफ आई एम आर ए ई, फिम्ब्री कहते हैं इसे, हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, समझ पा रहे हैं हम लोग। और फिम्ब्री, और ध्यान रखेंगे कि इस फिम्ब्री का टर्मिनल, यानी कि फिम्ब्री स्टार्ट कहां से हो रहा है, फिम्ब्री यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस फनल से स्टार्ट हो रहा है, और इसका लास्ट वाला एंड कहां है, यहां है, ये है इसका टर्मिनल एंड। हर एक फिम्ब्री के टर्मिनल एंड पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन छेद को क्या कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं। It bears small aperture, small apertures which are known as ostium, which are known as इस aperture को हम लोग क्या कहते हैं, ostium कहते हैं। यानी कि हम लोग overall कह सकते हैं कि ये infundibulum जो वो fimbri और ostium दोनों को bear करता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग,
ये ओविडक्ट, ओविडक्ट का लास्ट लेटरल एंड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फनल सेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फनल सेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इन्फंडिकुलम कहलाता है। इस इन्फंडिकुलम का ये इन्फंडिकुलम जो होता है फिम्ब्रिएटेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पसेस करता है, जहां से स्टार्ट हुआ फिंगर वहां से सबसे टर्मिनल एंड, टर्मिनल मतलब लास्ट एंड, यहाँ पर जाकर के हम क्या देखते हैं एक छोटे छोटे अपर्चर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं ऑस्टियम कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये अगर एब्डोमिनल कैविटी है, ये अगर एब्डोमिनल कैविटी है तो ये जो अपर्चर या खून कहाँ पर है, इस एब्डोमिनल कैविटी में ही खुल रहा ऑब्वियसली बात है। तो ये ऑस्टियम हम बात करते हैं कहाँ पर खुलता है, पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी क्योंकि पेरिटोनियम से लाइन है तो सिम क्या कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी है। तो ये कहाँ पर खुल रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में खुल रहा है। और जो पार्ट मीडियल टू इन्फंडिकुलम है, ध्यान रखें मैंने क्या कहा मीडियल टू इन्फंडिकुलम, मीडियल मीडियल आप मीडियल किसको कहेंगे, मीडियल कहते हैं जब हम साइड से, जब हम बॉडी लाइन की तरफ जाते हैं, हम यहाँ पर लेटरल साइड में थे, हम यहाँ पर किस साइड में थे, हम यहाँ लेटरल साइड में थे, और इससे जब हम इधर मूव करेंगे तो हम मीडियल की बात करेंगे, यानी कि इन्फंडिकुलम और इसके जस्ट बाद पार्ट नजर आ रहा है हमें, उस पार्ट को ओविडक्ट के लिए, ओविडक्ट के, ओविडक्ट का सबसे टर्मिनल पार्ट क्या इन्फंडिकुलम, इन्फंडिकुलम से जस्ट पहले क्या स्थमस, इस्थमस। आप ध्यान रखेंगे ये एम्पुला और स्थमस जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही है, यही और होता कहाँ पर है फर्टिलाइजेशन, इस जगह पर, ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे मोस्ट ऑफ द टाइम फर्टिलाइजेशन इसी जगह पर अकर होता है। ये ओवरी ये एग को रिलीज करेगा, एग रिलीज होगा, ये ऑस्टियम जो है उसको कैप्चर करेगा और फिम्ब्री के थ्रू इसको ट्रेवल करवाएगा इन्फंडिकुलम से होते हुए एम्पुला, एम्पुला से होते हुए स्थमस, लेकिन यहाँ पर जाकर के मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर जाकर के तब तक में इधर से स्पर्म आ रहा होता है, ये स्पर्म आ रहा होता है और यहाँ पर जाकर के क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन का सबसे मेन पॉइंट का एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस जगह से। तो आप ध्यान रखेंगे इसे कि फर्टिलाइजेशन का सबसे मेन पॉइंट कहां पर, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे। एक बार देख लेते हैं फिर से कि पार्ट मीडियल टू इन्फंडिकुलम, इन्फंडिकुलम से मीडियल क्या है, जो एक पार्ट है उसे एम्पुला कहते हैं, विच इज अ थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ ट्यूब, वो डायलेटेड पार्ट होता है और थिन वॉल्ड होता है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, मैंने अभी कहा भी कि एम्पुला से लेकर के स्थमिक के बीच में ही कहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं ये जंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पार्ट ऑफ मीडियल टू एम्पुला, एम्पुला के जस्ट बाद जो मतलब मीडियल यानी बॉडी लाइन की तरफ हम जा रहे हैं, एक और ओवरी इधर बना दें इस तरह से करके, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर बॉडी लाइन और ये ओवरी से हम लोग इतना जिधर जितना उधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं वो मीडियल बात करेंगे, जितना इधर आएंगे उतना लेटरल बात करेंगे। तो मीडियल यानी कि एम्पुला से और अंदर जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्थमस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन बोले क्या, ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा, रिलीज हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होगा, ओवा आर रिलीज्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, अभी मैंने बात की थी ये रिलीज हुआ और कहां पर आया, इस कैविटी में आया, पेरिटोनियल कैविटी में आया इस कारण से। और कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी को हम लोग कहते हैं सीलो, क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को एनिमल टिश्यू ध्यान होगा तो एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी कैविटी इज आल्सो नोन एज सीलो, सीलो बॉडी कैविटी इज आल्सो नोन एज सीलो, और यही कारण है ये बॉडी सीलोम में ये एग रिलीज हुआ है, इस कारण से इस एग को हम लोग क्या कहते हैं सीलोमिक एग कहते हैं।
क्लियर है। अगर हम डिस्टल एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ ओविडा की कहते हैं तो वो यूट्रस का फॉर्मेशन करता है। हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, डायलेट करके क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा यूट्रस ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टल डायलेटेड पार्ट है, डिस्टल डायलेटेड पार्ट ऑफ ओविडा। इस ओविडा का सबसे डिस्टल मतलब सबसे लास्ट लास्ट पार्ट क्या बनाएगा, डायलेट करके क्या बनाएगा, यूट्रस बनाएगा, यूट्रस बनाएगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर यूट्रस जो होता है वो कैसा टाइप का होता है, सिंप्लेक्स टाइप का होता है। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूट्रस क्या होता है। सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूट्रस जो होता है ये कंसिस्ट करता है इसको सिंगल कैविटी को, इसके अंदर एक ही कैविटी होता है, पूरा का पूरा यूट्रस एक ही कैविटी से बना हुआ होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेट डिग्री ऑफ फ्यूजन ऑफ दी डक्ट्स, बहुत सारे डक्ट्स के एक बहुत जबरदस्त फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। और ह्यूमन कुछ एप्स के अंदर जो होता है, ह्यूमन के अंदर और कुछ एप्स के अंदर क्या होता है, सिंप्लेक्स टाइप का ही यूट्रस होता है। देखा था ओविडक्ट के बारे में, अब मैं ओविडक्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान देंगे। ये एक यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ये यूट्रस क्या है, इसी ओविडक्ट का, जो कि आप यूट्राइन ट्यूब की बात करते हो, ये जो ओविडक्ट है इसी का डिस्टल प्रॉक्सिमल एंड ये हो गया, प्रॉक्सिमल एंड ये हो गया, और ये डिस्टल एंड, डिस्टल एंड का मतलब क्या, लास्ट वाला जो एंड होता है, ये लास्ट वाला एंड डायलेट होकर के पूरा का पूरा यूट्रस बना देता है। क्लियर बात है, डिस्टल एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज नोन एज यूट्रस। क्लियर है, इनवर्टेड पाइरिफॉर्म शेप का होता है, इनवर्टेड पियर शेप नाशपाती शेप का होता है, और ये उल्टा उल्टा नाशपाती शेप का होता है, ये कौन, यूट्रस। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे, ये जो देखते हैं कि इसका सबसे लास्ट पार्ट, इस ओविडक्ट का सबसे लास्ट पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। और ये इनफंडिबुलम जो होता है ये कैसा होता है, फनल शेप होता है, फनल शेप होता है। ये इनफंडिबुलम कैसा शेप का होता है, फनल शेप के होता है, चिमनी के जैसा शेप का होता है, जो कि लास्ट में जाकर के डायलेट हो जा रहा है। इस फनल शेप इनफंडिबुलम में हम लोग क्या देखते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कुछ छोटे छोटे अपर्चर होते हैं, अपर्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियम, अपर्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं। अब ध्यान देंगे, ये ओवरी है, ये ओवरी हम देख रहे हैं कि ये एक ब्रॉड लिगामेंट है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, और इसी ब्रॉड लिगामेंट का एक शॉर्ट फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मीसोमेरियम बनाता है, इसी ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है। और ये ब्रॉड लिगामेंट किसका पार्ट है, ये ब्रॉड लिगामेंट पार्ट है पेरिटोनियल लिगामेंट का। हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे एब्डोमिनल कैविटी की। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी का जो सबसे अंदर का जो लाइनिंग होता है, वो अंदर का लाइनिंग क्या है, उस अंदर के लाइनिंग को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल, क्या है, पेरिटोनियम कहते हैं। और इस पेरिटोनियम के अंदर का, अगर मान लेते हैं कि मैंने ये एब्डोमिनल कैविटी ड्रॉ किया है, ये एब्डोमिनल कैविटी ड्रॉ किया है, तो आप इसके सबसे अंदर के लाइनिंग को क्या बोलोगे, इसे आप कहोगे पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और इस पेरिटोनियम की लाइनिंग से बना हुआ ये कैविटी आप क्या कहोगे, इस कैविटी को आप कहोगे पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी। क्लियर है, पेरिटोनियल कैविटी। देखिए, और इस पेरिटोनियल कैविटी, चूंकि हम जानते हैं कि हम लोगों ने बात की अभी जस्ट कुछ देर पहले कि सीलोम, एक वर्ड आया सीलोम, COELOM, सीलोम, सीलोम को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी भी तो एक तरह का क्या है, बॉडी कैविटी है। और इस बॉडी कैविटी, सीलोम में अगर एग रिलीज होता है, ऐसा एग जो कि पहले बॉडी सीलोम में रिलीज हो, उसके बाद जाकर के किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर आए, तो उस तरह के सीलोम, उस तरह के एग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के एग को हम लोग बोलते हैं सीलोमिक एग। आप लोग समझ पा रहे हैं, सीलोमिक एग कहते हैं। और यहाँ से सपोज करते हैं, यहाँ से एक एक एग रिलीज होता है, यहाँ से एक एग रिलीज होता है, बोले तो क्या, ओवा, क्या, ओवा। और ये ओवा किसको, ये ट्रैप कर लिया जाएगा, ये ट्रैप कर लिया जाएगा इसके द्वारा, फिम्बरी के द्वारा, फिम्बरी के द्वारा ट्रैप किया जाएगा। और इसके जो टर्मिनल पार्ट पर जो अपर्चर है, वहां से ये ओवा अंदर एंटर करेगा, और ये ओवा ट्रैवल करता हुआ, ये ओवा क्या है, ये ओवा ट्रैवल करता हुआ कहां जाएगा,
इन्फंडिबुलम के अंदर आ जाएगा, इन्फंडिबुलम के अंदर आ जाएगा, इन्फंडिबुलम से एम्पुला स्क्वमस इस तरह से करते हुए ये आगे ट्रेवल करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसका एम्पुला या फिर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, इस दो जगह पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लियर है? ये हम देखते हैं कि ये इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से लेटरल साइड पे जितना ज्यादा इधर आएंगे लेटरल, जितना ज्यादा उधर जाएंगे मीडियल। तो लेटरल साइड सॉरी इन्फंडिबुलम से मीडियल साइड में क्या देखते हैं, एम्पुला है, डायलेटेड पार्ट, अ थिन वॉल्ड। ये क्या है, ये एक थिन वॉल्ड, यहाँ का वॉल बहुत ज्यादा पतला होता है, थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड, डायलेटेड पार्ट, थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड, dilated medial part of the oviduct is known as ampulla। और यहाँ पर ampulla से medial हम बात करेंगे तो क्या है, isthmus है। और जब हम बात करते हैं इसी oviduct का, ये सबसे distal part, ये distal part ही पूरा का पूरा dilate करके क्या बना देता है, पूरा का पूरा uterus बना देता है। ठीक है, इस यूट्रस में भी आगे हम लोग बात करेंगे, तीन तरह के इसमें लेयर्स होते हैं, उसका हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ रखेंगे कि यहाँ पर अपेयर, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, अपेयर ऑफ ओवरी होता है। यहाँ पर मैंने बस एक ही तरफ का ओवरी और एक ही तरफ का डक्ट मैंने बनाया है, जबकि ये दूसरी तरफ भी है, यहाँ पर मैंने ड्रॉइंग किया है, ये सेम ही स्ट्रक्चर है। आप इसको एग्जाम में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज दोनों तरफ का ड्रॉ करके आप उसे बता सकते हो। ये जो यूट्रस दिख रहा है, इस यूट्रस का ये वाला जो पोर्शन होता है सबसे टॉप वाला पोर्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फंडस कहते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। ये मेन पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस। और यूट्रस का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्विक्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये जो कैविटी बना हुआ है, क्योंकि ये ट्यूब है, तो ट्यूब के बीच में कैविटी होता है, गैप होता है, तो ये कैविटी जो बना हुआ है यूट्रस के अंदर के कैविटी को आप क्या कहोगे, कैविटी ऑफ यूट्रस। और सर्विक्स के अंदर के कैविटी को आप क्या कहोगे, सर्वाइकल कैनाल। क्लियर है? क्योंकि ये पतला नैरो रास्ता जैसा हो गया, इसीलिए हम लोग इसे बेहतर कैनाल कहते हैं। क्लियर है? और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये यूट्रस का पार्ट था, जबकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के तौर पर अगर हम बात करें कि फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ जाता है, विजाइना आ जाता है, विजाइना। और ये विजाइना कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से इसका ओपनिंग होता है, जहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, इसीलिए हम लोग इसे इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, इंटरनल ओएस। क्लियर है? आप लोग इसको पॉज करके आप लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग यूट्रस के बारे में, कि यूट्रस क्या होता है, पाइरल फॉर्म सेट, यानी कि इस बारे में हमने पहले बात की थी कि इन्वर्टेड पियर सेट ऑर्गन होता है, जो कि क्या होता है, एक डिस्टल डायलेटेड पार्ट होता है, जिसका ओविडक्ट का डिस्टल डायलेटेड पार्ट होता है, ओविडक्ट का। इसका अपर एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है, जबकि लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट जो है वो सर्विक्स कहलाता है, वो सर्विक्स कहलाता है। यूट्रस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये ओपन होता है किसमें, फाइब्रोमस्कुलर, यानी कि फाइबर और मस्कुलर, यानी कि फाइब्रस और मस्कुलर, ये इस बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि एक नॉन ग्लैंडुलर होता है, इसके अंदर ग्लैंड्स नहीं होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन नोन एज विजाइना। अभी आपने देखा था कि जहाँ पर वो एंड कर रहा था उस जगह पर क्या था, ये विजाइना था, और ये एक फाइब्रोमस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विजाइना कहते हैं। और ये कोपुलेटरी ऑर्गन होता है किसका, फीमेल का। मेल के अंदर हम कोपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है, वो होता है पेनिस, जबकि फीमेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, वो होता है विजाइना। अब बात करेंगे वल्वा का। ठीक है, वल्वा क्या होता है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एक्सटर्नल मतलब कि जो जेनिटल ऑर्गन है वो जेनिटल ऑर्गन का सबसे एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है मॉन्स वेनेडिस, इसके अंदर क्या आता है, मॉन्स वेनेडिस आता है, मॉन्स वेनेडिस। इसके अंदर आता है लेबिया मेजोरा, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लेबिया मेजोरा नहीं लिखा है वहाँ पर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा जिसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेबियम माइनस लिखा है। इसके अलावा क्लिटोरिस, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये क्लिटोरिस होता है। ध्यान रखेंगे ये क्लिटोरिस जो होता है ये एनालॉगस टू
होमोलोगस टू पीनिस होता है। जैसे मेल के अंदर पीनिस होता है उसी तरह से फीमेल के अंदर क्या होता है, क्लिटोरिस होता है। एक तरह से आप उसे रिड्यूस्ड पेनिस ऑफ द फीमेल कह सकते हैं, रिड्यूस्ड पेनिस ऑफ द फीमेल कह सकते हैं। ये क्या क्लिटोरिस, उसके अलावा है ये क्या वेस्टिब्यूल, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें इसके पास, ये वेस्टिब्यूल और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी पेरिटोनियम होते हैं वो। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर आपको इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ। ये प्यूबिक हेयर्स है, ये प्यूबिक हेयर्स है और यहाँ वाला जो एरिया है इसका, इसके ओपनिंग का, वल्वा के ओपनिंग का जो यहाँ का एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर जो एक थिक फोल्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं लैबियम मेजर, और फ्लैसी फोल्ड, अंदर में जो फ्लैसी फोल्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लैबियम माइनस कहते हैं। लेबियम माइनस कहते हैं। इस लेबियम माइनस का सबसे ऊपर का जो यहाँ पर जो स्पेस है, जो कि ये यूरेथ्रल ओरिफाइस, यानी कि यूरेथ्रा बोले तो क्या कि ये मतलब यूरेथ्रा बोले तो क्या यूरिन को पास आउट करने का जो जगह होता है, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं यूरेथ्रा, और उसका जो ओपनिंग होता है उसे ओरिफाइस कहते हैं। यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है, उस जगह से और यहाँ क्लिटोरिस, इसके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल जहाँ पर लास्ट करेगा उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं प्रिप्यूस कहते हैं, प्रिप्यूस कहते हैं। और ये प्रिप्यूस के पास क्या होता है क्लिटोरिस होता है, प्रिप्यूस के पास क्या होता है क्लिटोरिस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस यूरेथ्रल मीटर्स के नीचे देखेंगे तो वहां पर क्या है, ये वजाइनल इंट्रोइटस है, ये वजाइनल इंट्रोइटस है, वजाइनल ओपनिंग है, यही या ये वजाइनल ओपनिंग, इसी के अंदर अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो इसके बाद क्या मिलेगा सर्विक्स मिलेगा और उसके बाद यूट्रस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यही क्या है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्सटर्नल ओपनिंग है। और हम इस जगह पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये एनस है। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार ड्रॉ कर लीजिए। जगह के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें जो हमने बात की थी मॉन्स वेलिस या फिर मॉन्स प्यूबिस, ये एक पैड लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब स्किन और उसके जस्ट नीचे, यानी कि सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो कि कहाँ पर होता है प्यूबिस के फ्रंट में होता है और ये कवर्ड होता है किससे, प्यूबिक हेयर से, कब ह्यूमन एडल्ट फीमेल के अंदर। लेबिया मेजोरा की बात करेंगे तो याद रखेंगे वल्वा जो होता है वो बाउंड होता है, जो उसका एक्सटर्नल बाउंड्री होता है वो दोनों साइड से किससे होता है एलिवेशन एंड फोल्ड ऑफ द स्किन, ये स्किन का फोल्ड होता है जो कि क्या कहलाता है लेबिया मेजोरा कहता है। और इसके इसमें क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, दो चीज स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर के क्या बना हुआ होता है लेबिया मेजोरा। अगर आपसे थिक फोल्ड के बारे में बात किया जाए, थिक फोल्ड अगर आपसे पूछा जाए कि थिक फोल्ड ऑफ द वल्वा, तो आप कहेंगे लेबिया मेजोरा। याद रखेंगे या आउटर सरफेस, इसका आउटर सरफेस जो होता है वो कवर्ड होता है किससे, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स से। सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स से। सीबेसियस ग्लैंड कौन, सीबम ग्लैंड का, सीबम ग्लैंड का फॉर्म होता है स्वेट ग्लैंड, जो कि पसीने के लिए होता है, स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स से इसका आउटर सरफेस कवर्ड होता है। याद रखेंगे ये होमोलोगस होता है, ये होमोलोगस वर्ड क्या होता है, होमो का मतलब सेम। अब देखेंगे होमोलोगस का मतलब होता है जिसका ओरिजिन तो सेम हो लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उसका रोल, उसका फंक्शन देखने के लिए हमें डिफरेंट मिले। तो जैसे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन के अंदर स्क्रॉटम, तो स्क्रॉटम का फंक्शन अलग है, लेकिन फीमेल के अंदर हम देखेंगे तो लेबिया मेजोरा, तो यहाँ पर उसका फॉर्मेशन उसी से, तो ओरिजिन का पॉइंट सेम है, ओरिजिन का पॉइंट सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। इस कारण से हम क्या कहते हैं लेबिया मेजोरा को स्क्रॉटम का होमोलोगस कहते हैं। क्लियर है, लेबिया माइनोरा की बात करते हैं, लेबिया मेजोरा वो बाहर का फोल्ड था वो, और अंदर में जो फोल्ड है छोटा सा फोल्ड उसे हम लोग क्या कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। टू थिन फोल्ड्स, थिन फोल्ड्स याद रखेंगे, यहाँ पर मैं एक और वर्ड लगा दे रहा हूँ फ्लैसी, थिन फ्लैसी फोल्ड ऑफ द स्किन प्रेजेंट जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद जो होता है और थिन फ्लैसी फोल्ड ऑफ द स्किन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। तो आप जब भी फ्लैसी वर्ड के बारे में पूछा जाएगा आप लोग लेबिया माइनोरा क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट बात करें क्लियर क्लिटोरिस, ये स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और कैसा होता है, इरेक्टाइल होता है। मैंने बात करी थी इसके बारे में कि जो ह्यूमन का पेनिस होता है, ह्यूमन मेल का जो पेनिस होता है वो सिमिलर होता है किससे, क्लिटोरिस के। मेड बाय द फ्यूजन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के ही फ्यूजन से बनता है और सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा। और ये देखिए मैं आपसे इस बारे में बात कर चुका हूँ कि क्लिटोरिस जो होता है वो होमोलोगस होता है किसके, ह्यूमन के पेनिस, ह्यूमन मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है, यानी कि दोनों का ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। क्लियर है, जो स्किन क्लिटोरिस को कवर करता है उसे हम लोग प्रिप्यूस कहते हैं, प्रिप्यूस कहते हैं। आप यहाँ पर उस चीज को भी रिकॉल कर लेंगे कि ह्यूमन मेल में प्रिप्यूस किसको कहा जाता है, ये आपके लिए क्लास है। नेक्स्ट देखेंगे वल्वा के पास क्या होती है, तीन ओपनिंग्स होती हैं। पहले ओपनिंग के बारे में बात करेंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग जिसके थ्रू की मिक्चुरेशन होगा, यानी कि जो भाषा में हम लोग कहें तो जिससे टॉयलेट होता है, ये कहाँ पर होता है, ऊपर एंटीरियर एंड पर होता है। वेजाइनल ओरिफाइस जो होता है ये पोस्टीरियर एंड पर होता है, और उसके अलावा वेजाइनल ओरिफाइस के दोनों साइड में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स। ये बार्थोलिन डक्ट्स क्या करती है, ये होमोलोगस होती है किसके, कॉपर ग्लैंड ऑफ मेल। मैंने बताया था कॉपर ग्लैंड ऑफ मेल, कॉपर ग्लैंड क्या करता है, कॉपर ग्लैंड क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड में पार्टिसिपेट करता है। और ये यहाँ पर क्या करेगा, ये भी क्या सिक्रीशन करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, स्लाइमी अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड, जो कि क्या करेगा कि वजाइना के लाइनिंग को क्या करेगा, जरा सा अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसके कारण से वहां पर स्पर्म का एक्टिवेशन होता है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं, स्लाइमी अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड व्हिच मेक्स द अल्कलाइन मीडिया इन वजाइनल पैसेज, वजाइनल पैसेज में अल्कलाइन मीडियम। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो बार्थोलिन डक्ट का जो सिक्रीशन होता है वो कब निकलता है, वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान निकलता है। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट और उसके बाद ब्रेस्ट, यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।